और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां महिलाओं की समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। ताजा मामला जनपद अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित महिला कुसुम सिंह को खेती किसानी करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर कुसुम सिंह ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को चक्रोड पैमाइश का प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आदेशानुसार 21 जुलाई 2022 को तहसील के 2 लेखापाल व महिला व 1 पुरुष व ग्राम प्रधान मौके पर पैमाइश करने गए, जहाँ पर प्रार्थी भी मौजूद थी। विपक्षी अशोक सिंह पुत्र चित ब्रह्मा सिंह, विपक्षी के पुत्र रवि सिंह, सौरभ सिंह व गौरव सिंह पुत्र अशोक सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ित कुसुम सिंह को देखते ही मारने लगे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अश्लील हरकत भी की। विराट 24 के अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। गांव ठेंगा पोस्ट बैदरापुर का है सर, चक्रोट निकलने का मामला, थाना रौनाही है सर। और मैं दरोगा साहब के बार 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 गिड़गिड़ा जाती हूँ, 8-8 घंटा मुझे थाने में बैठाए रहते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते, कैसे भी जितना पोस्ट लगाना। दरोगा क्या नाम उनका? दरोगा का नाम सर हम नहीं जानते, थाना इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब है अजय कुमार है। चक्रोट नपने का सर, चक्रोट नपने के लिए वहाँ नेकपाल दो थे, दोनों नेकपाल प्रधान जी थे, सबके सामने मुझे 4 लोग मारे, अशोक सिंह, उनके 3 लड़के रवि सिंह, सौरव, गौरव, सारे लोग मुझे मिल के मारे सर। हम बहुत परेशान है, हमारे 4-4 लड़कियाँ, 2-2 लड़के, मैं कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे रहूँ सर, मुझे एकदम नर्वस कर दिया गया, मैं मेरी चैन छीन ली गई सर। दरोगा साहब कहे तुम आर्टिफिशियल पहने, उन्होंने कहा सर चेक करा लीजिए, मैंने सोने के पहना, कहीं उस न्यूज को नहीं, चैन का कटाइए और जो ब्लाउज फाड़ा इसको कटाइए, मारने को कटाइए, तो मैं आपका मुकदमा दायर कर लूँगा। मैंने कहा सर तब क्या दायर करेंगे, मुझे मरवा डालेंगे, कहीं जाओ जो तुम्हें करना है करो सर। अभी हमारी जानकारी में आया है मैटर, फिर हम लोग मिल करके आई साहब के यहाँ गए, चूँकि आई साहब छुट्टी पर हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके पीआरओ साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसा कि साहब तो 3 दिन बाद मिलेंगे, आप कप्तान साहब से मिल लीजिए, तो हुआ कप्तान साहब से तो मुलाकात की गई है, लेकिन उससे पहले मैं रौनाही एसओ को कम से कम 2500 कॉल मिलाई होंगी, वो बिजी बताते रहे, उठाए नहीं, उसके बाद मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा आप FIR इनकी क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, कहीं मैं जाँच कर रहा हूँ। अरे यार जाँच कर रहे हो, कब तक जाँच करोगे, वो महिला शर्म से मर जाएगी और आप जाँच करते रह जाओगे, ये बात मैंने कह कर, मैंने कहा मैंने साहब बड़े साहब के यहाँ आई हुई, मैं अभी FIR दर्ज करने के लिए आदेश कराती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं जांच कर रहा हूँ, देखता हूँ। तो ये स्थिति है, महिला है, परेशान है, अरे आप FIR लिखो, जो सही होगा उसका बाद में करना ना, ये भी मिल के आ रहे हैं, तुरंत मिलने के बाद तब हमने आप लोगों से संपर्क किया, नहीं होगा तो महिला आयोग भेजेंगे इसको, आपको मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, भाई न्याय तो मिलना चाहिए ना। कब तक समय दे रही है? समय क्या, 1-2 दिन देखेंगे, नहीं तो फिर लेके जाएंगे आगे। मेरी डॉक्टरी भी नहीं करा, मेरी पूरी चोट लगी, उसके सारे कपड़े फाड़े गए हैं। अरे एक महिला है, मान लीजिए हम कहते हैं नहीं मारपीट से, उसे मारा पीटा है, वो मारपीट से नहीं मरेगी, लेकिन वो महिला शर्म से मर जाएगी, जिस तरह से अभद्रता उसके साथ की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं ये डिमांड करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत FIR पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, जाँच तो बाद में करें, पहले उनको ला के बैठावें, तो उनको पता चले कि किसी औरत के साथ करने से, इस तरह की हरकत करने से क्या होता है, लूट का मुकदमा हटा दो। क्या नाम है? क्या मेरा नाम आप जानते हो? कंचन दुबे एडवोकेट, क्यों नाम मेरा पूछते हो?